बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अभी अरशद भाई के घर भी बात हुई है, फैमिली से, भाभी से भी बात हुई है और जो बाकी सोर्सेज हैं उनसे भी बात हुई है। तो मैं कंफर्म कर देता हूं कि वो यहाँ नहीं थे, लंदन में भी नहीं थे, वो अफ्रीका में थे और वो शहीद हो गए हैं। ये बिल्कुल अब कंफर्म है खबर। अभी हमारा सिर्फ एक मुतालबा है पहला, और एक ही बात हम कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द अरशद भाई को वापस हमारे पास पहुंचाएं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, पूरी इज्जत और एहतराम के साथ। बाकी बात बाद में करेंगे। उस पर एक छोटा सा मेरा मैसेज है जिसे आप, मैं ट्विटर पे ही रखूँगा। अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिए गए, मेरा दोस्त, मेरा बड़ा भाई, मेरा एक्स बॉस, अब हमें नहीं रहा। मैं ये मैसेज, ये वीडियो इसलिए कर रहा हूँ सिर्फ कि हाथ जोड़ के, एक बार कुछ दिन पहले मैंने ऐसा ही मैसेज अपने छोटे भाई अथर के लिए दिया था, और अब एक बार फिर हम ऐसा ही मैसेज दे रहे हैं। अरशद साहब की फैमिली को अल्लाह ताला सब्र दे। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, हमें अपने भाई के खून का हिसाब चाहिए, हमें आपसे उम्मीद है आप हमें इंसाफ देंगे। हमें ये इंसाफ आपसे चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला कातिलों को गारत करे, आमीन।
उस पर एक छोटा सा मेरा मैसेज है जिसे आप, मैं ट्विटर पे ही रखूँगा। अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिए गए, मेरा दोस्त, मेरा बड़ा भाई, मेरा एक्स बॉस, अब हम में नहीं रहा। मैं ये मैसेज, ये वीडियो इसलिए कर रहा हूँ सिर्फ कि हाथ जोड़ के, एक बार कुछ दिन पहले मैंने ऐसा ही मैसेज अपने छोटे भाई अथर के लिए दिया था, और अब एक बार फिर हम ऐसा ही मैसेज दे रहे हैं। अरशद साहब की फैमिली को अल्लाह ताला सब्र दे। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, हमें अपने भाई के खून का हिसाब चाहिए, हमें आपसे उम्मीद है आप हमें इंसाफ देंगे। हमें ये इंसाफ आपसे चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला कातिलों को गारत करे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अभी अरशद भाई के घर भी बात हुई है, फैमिली से, भाभी से भी बात हुई है, और जो बाकी सोर्सेज हैं उनसे भी बात हुई है। तो मैं कंफर्म कर देता हूँ कि वो यहाँ नहीं थे, लंदन में भी नहीं थे, वो अफ्रीका में थे, और वो शहीद हो गए हैं। ये बिल्कुल अब कंफर्म है खबर। अभी हमारा सिर्फ एक मुतालबा है पहला, और एक ही बात हम कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द अरशद भाई को वापस हमारे पास पहुंचाएं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, पूरी इज्जत और एहतराम के साथ। बाकी बात बाद में करेंगे। चलो।